हम इस वीडियो में सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या है इसका, पहले वो समझो। सतत आवेश वितरण, जैसे कि कोई प्रश्न है, जब इस पर आवेश आता है तो सब जगह एक जैसा आवेश आता है। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आवेश कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा आ जाए और कहीं कम है, ऐसा नहीं होता। पूरे के पूरे प्रश्न पर एक समान आवेश आता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, सतत आवेश का वितरण। जब आवेश का वितरण होता है, आवेश का स्थानांतरण तो असतत या क्वांटीकृत होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का जाना, लेकिन जब वस्तु पे आवेश आ जाता है तो वो पूरे प्रश्न पर समान रूप से फैल जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण ये होता है बच्चों कि जब हम मान लो एक तार जैसी किसी संरचना पर दे रहे हैं, ये वायर सा है, इस पर हमने आवेश दिया, रेखीय संरचना है इसकी, तो आवेश समान रूप से पूरे वायर पर आ गया, तो इसे बोला जाएगा रेखीय आवेश वितरण। जब हम आवेश को किसी रेखीय वस्तु पर देते हैं जैसे कि तार, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण को एक राशि से व्यक्त करते हैं जिसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसको लैम्डा से व्यक्त किया जाता है क्योंकि इसके लिए एक राशि बनानी होगी। अब लैम्डा क्या होता है, जैसे मान लो ये एक अल्पांश है, इस वस्तु के ऊपर एक अल्पांश बनाया, इसकी लंबाई डेल एल है और इस पर जो आवेश है वो डेल क्यू है, इस अल्पांश अल्पांश की बात हो रही है, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन डेल एल। अब अगर यहां से हम डेल एल को 1 मान लें, 1 मीटर, ये जो अल्पांश है वो 1 मीटर का हो, तो डेल एल अगर 1 है तो लैम्डा बराबर डेल क्यू, तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी वस्तु की इकाई लंबाई, लंबाई को हमने बंद कर दिया ना, लंबाई को बंद करते ही आवेश लैम्डा के बराबर हो गया, तो किसी वस्तु की इकाई लंबाई पर उपस्थित, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये इसका इसकी परिभाषा, लंबाई को 1 कर दो तो जो आवेश आएगा वो आवेश लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अगर इसका ऐसा ही मात्रक पूछे लैम्डा का, तो आप बता सकते हो कूलॉम प्रति मीटर, यानी कि कूलॉम और ये मीटर इनवर्स, और विमीय सूत्र पूछे तो वो भी निकाल सकते हो। विमीय सूत्र में कूलॉम का होता है A1T1 और मीटर का होता है L1, तो ये M0L-1T1A1। तो ये हमारा रेखीय आवेश वितरण, जब किसी वायर जैसी संरचना पर किसी तार जैसी संरचना पर आवेश दिया जाता है तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण के लिए एक राशि बना दी गई जिसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मान होता है आवेश बटा लंबाई। अगर एक अल्पांश की लंबाई डेल एल है और आवेश डेल क्यू है, तो डेल क्यू अपॉन डेल एल को हम लैम्डा कहते हैं। डेल एल को 1 कर दिया है, 1 करते ही अगर इसको 1 कर देंगे तो जो आवेश होगा वो लैम्डा के बराबर आ जाएगा, यानी कि किसी वस्तु की इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इससे फिर हम इसका कूलाम प्रति मीटर, इसका मात्रक आ जाएगा, इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। सेकेंड आता है अब इसी क्रम में पृष्ठीय आवेश वितरण। अब पृष्ठ पर आवेश देंगे, अभी हमने तार पे दिया था एक तार जैसी संरचना पे, अब क्या होगा देखो। अब अगर आवेश किसी पृष्ठ पे दिया जाए, ये कोई पृष्ठ होगा ऐसा, इस पृष्ठ पर हमने आवेश दिया तो वो आवेश इस पृष्ठ पर पूरा इस तरीके से आ गया, तो आवेश जब ऐसे पृष्ठ पे आ गया, अब इधर एक अल्पांश बना लो, इस पूरे अल्पांश पर आवेश तो है डेल क्यू और डेल एस इसका क्या है, क्षेत्रफल, तो ये कहलाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण, जब आवेश पृष्ठ पर आता है।
इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व से व्यक्त करेंगे अब हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे बोलेंगे सिग्मा, इससे व्यक्त करेंगे। तो अब इसका फॉर्मूला सिग्मा का क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एस, या डेल एस क्षेत्रफल आ जाएगा अपॉन में सिग्मा में। तो सिग्मा क्या हो गया, डेल क्यू अपॉन डेल एस। अब हम डेल एस को वन करेंगे क्षेत्रफल को, दोनों में डिफरेंस इतना है कि पहले में हमने लंबाई को वन किया था, अब हम क्षेत्रफल लेते हैं अपॉन में, आवेश बटा क्षेत्रफल, पहले में आवेश बटा लंबाई, दूसरे में आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहां से अगर हम डेल एस को वन रख देते हैं तो सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा, डेल क्यू के। क्या परिभाषा बनेगी, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये इसकी परिभाषा बन जाएगी सिग्मा। अगर इसका आपसे पूछा जाए मात्रक, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, या माइनस टू लगा दो। यहां पर अगर ये मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे एल टू आ जाएगा और ये ऊपर जाके एल माइनस टू हो जाएगा। तो बस आपको इतना सा डिफरेंस करना है, आपको ध्यान रखना है आवेश बटा लंबाई यानी कि लैम्डा, आवेश बटा क्षेत्रफल यानी कि सिग्मा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड आ जाएगा, थर्ड है आपका आयतन आवेश वितरण। अब हम वस्तु के आयतन मतलब अंदर भी जाएगा आवेश, अभी आवेश केवल ऊपर ऊपर था, अब उस वस्तु के अंदर चला गया। जब आवेश अंदर चला जाता है वस्तु के तो हम कहते हैं उसका आयतन पर वितरण हो गया। तो हम इसी चित्र को बनाएंगे, क्योंकि हम अंदर तो कैसे बता सकते, नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, इसी डायग्राम को बना के हम यहाँ पे जो अल्पांश लेंगे वो 3D का ले लेंगे, अंदर वाला शो करते हुए। ये अब जो हम अल्पांश लेंगे चित्र में वो 3D ले लेंगे घनाकार। इस अल्पांश पर जो आवेश है वो डेल क्यू है, अब इसका आयतन ले लेंगे डेल क्यू। पहले केस में लंबाई आती है, दूसरे में क्षेत्रफल आता है, तीसरे में आयतन आ जाता है। अब यहां पे ये बदल जाएगा, पृष्ठीय दिया गया क्या हो जाएगा, अब ये आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। इसको बोलेंगे अब हम सिग्मा की जगह रो, और यहां पे भी रो आ जाएगा, यहां पर रो आ जाएगा, रो इसी वस्तु डेल क्यू, यहां पे वी आ जाएगा क्योंकि आयतन आ गया नीचे। अब आयतन को वन कर देंगे, ये देखो आयतन को 1 मीटर क्यूब कर दिया, इसका आयतन अगर 1 मीटर क्यूब है तो जो रो आया है आपका ये रो डेल क्यू के बराबर हो जाएगा। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल की जगह क्या जाएगा, आयतन पर, अब आयतन को एकांक कर दिया, आयतन पर उपस्थित आवेश को ही यहां पे क्या जाएगा, यहां पे आ जाएगा आयतन आवेश घनत्व, तो रो कहते हैं। मात्रक क्या आएगा बताओ, कूलम प्रति, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, कूलम प्रति मीटर क्यूब, या माइनस थ्री या थ्री या माइनस। तो बस इतना इतना सा डिफरेंस है, एक बार डिफरेंस को समझ लो, लैम्डा बराबर आवेश बटा लंबाई, सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, और रो बराबर आवेश बटा आयतन। तो ये तीन फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो ये आज की वीडियो का कंप्लीट।